हाय दोस्तों, वेलकम टू भाट पारानी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम भारतीय रेलवे की एक बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसे हाल ही में भारत के रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने मार्च 2021 तक पूरा होने की उम्मीद जताई है। सन 1853 में ही भारतीय उपमहाद्वीप में रेलवे का आगमन हो चुका था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही बम्बई से ठाणे 34 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन चलाकर भारत में इसका शुभारंभ किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे कनेक्टिविटी है, जिसकी लंबाई 70,000 के आसपास है। वर्तमान में सिक्किम राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में रेलवे कनेक्टिविटी पहुँच चुकी है। पिछले 2 सालों से सिक्किम राज्य के रोंगपो शहर को सिलीगुड़ी से जोड़ने का कार्य चल रहा है। 2023 तक इसे पूरा होने के आसार हैं, फिर भारत में सभी राज्य रेलवे कनेक्टिविटी से पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। भारतीय रेलवे को 17 जोनों में डिवाइड किया गया है। आज हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी है, उसके अंतर्गत आने वाले अखौरा अगरतला रेल लिंक के बारे में चर्चा करेंगे। इस परियोजना के तहत बांग्लादेश के अखौरा को भारत के अगरतला शहर से लिंक किया जाएगा, जिसमें बांग्लादेश में 6.7 किलोमीटर और वहीं भारत में 4 किलोमीटर रेल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। वर्तमान समय में फिलहाल हम अभी वेस्ट बंगाल से सिलीगुड़ी के रास्ते गुवाहाटी होते हुए अगरतला पहुंचते हैं, जिसमें हम पूरा बांग्लादेश का गोल चक्कर लगा देते हैं और हमारी दूरी 1581 किलोमीटर की होती है, जिसे सफ़र करने में तकरीबन 41 घंटे का लंबा समय लगता है, जिससे यात्रियों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अब इसी रास्ते को आसान बनाने के लिए कलकत्ता से ढाका जो मैत्री एक्सप्रेस चलती है, इसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाकर अखौरा तक ले जाया जाएगा और अखौरा को अगरतला से जोड़ा जाएगा, जिसकी फ़िलहाल में अभी दूरी 10.7 किलोमीटर मापा जा रहा है। वहीं बांग्लादेश के हिस्से में 6.7 किलोमीटर तथा इंडिया वाले क्षेत्र में 4 किलोमीटर का हिस्सा रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जिससे कलकत्ता से लेकर अगरतला की दूरी मात्र 515 किलोमीटर ही रह पाएगी, जिसे आप आसानी से 16 घंटे के भीतर तय कर सकेंगे और आपका रास्ता बहुत ही सुगम और सटीक होता जाएगा। परियोजना की शुरुआत 2018 में ही हो गई थी और इसको पूरा करने का समय सीमा 2020 के लास्ट तक था, परंतु कोरोना काल की वजह से इस परियोजना पे भी प्रभाव पड़ा है और फिलहाल इसकी समय सीमा मार्च 2021 तक रखी गई है। हालिया समय में चीन की चालाकी को देखते हुए भारत सरकार को सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि मात्र 22 किलोमीटर चौड़ाई है, युद्धकाल में ये प्रभावित होने के कारण जो हमारे 7 सिस्टर हैं, 7 नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वो पूरी तरह भारत से कटकर अलग हो सकते हैं। इसका अल्टरनेट हमें हर हाल में खोजना ही था और भारत सरकार ने इसकी पहल करते हुए अगरतला को भारत के मेनलैंड कोलकाता से जोड़ते हुए जितने भी हमारे 7 सिस्टर प्रदेश हैं, उनको भारत से भी लिंक कर दिया है। 580 करोड़ की लागत से बनने वाली यह परियोजना बांग्लादेश तथा भारत के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। इस परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण का कार्य काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है तथा रेलवे ट्रैक को भी काफ़ी तेज़ी से कार्यरत किया जा रहा है। इसके लिए भारत रेलवे तथा इरकन कंपनी का साझा प्रयास रंग ला रहा है, जिससे इस परियोजना को मार्च 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हर हर महादेव।